खंडवा शहर के निगम चौराहे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य सरकार को जमकर कोसा, महंगाई, किसानों पर दमनकारी नीतियों को लेकर भी आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर हुए इस आंदोलन में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल और अनाजों के महंगे होने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर नेताओं ने कटाक्ष किए। आपको बता दें कि देशव्यापी किसान आंदोलन के चलते केंद्र सरकार की अनदेखी से किसान वर्ग परेशान है। किसान कृषि बिल के तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं और सरकार उनकी मांग को नज़रअंदाज कर रही है, उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित कर रही है। नेताओं ने जनहित के मुद्दे को लेकर किए इस धरना प्रदर्शन में सरकार को जमकर घेरा। निगम चौराहे पर हुए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। खंडवा से प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे देश में त्राहिमान हो रहा है, बढ़ती महंगाई, सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, और किसान भाई परेशान है, व्यापारी भाई परेशान है। अरे भाई हुकुम भाई ने भी यहाँ बात रखी। अब हमारे बीच में हमारे अतुल बाबा जी है, अंतर्गत केवल उन्होंने बात बताई नहीं तो मैं तेल चुपड़ने का भी तेल महंगा, तेल लगाने का भी तेल महंगा, और खाने का तेल भी महंगा, और जलाने का तेल भी महंगा। अरे तो भैया ये क्या है, आप मेरे को बताओ ना कि तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या ऐसा ही करोगे? वो 28% GDP, और बाप रे बाप, ये GDP क्या है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।